नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, साइबर क्राइम के बारे में और हैकिंग के बारे में मैं आपको जागरूक करता रहता हूं, साथ साथ उन एप्स वगैरह के बारे में भी बताता रहता हूं जिन्हें आपको यूज नहीं करना है, जो आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था जूम ऐप पर। मैंने बताया था कि यह आपका डाटा लीक कर रहा है और कैलिफोर्निया की अदालत में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिसका जवाब कंपनी सही तरीके से नहीं दे पाई थी। यहाँ ये वीडियो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट फेज के लिए बताने के लिए लेकर के आया हूँ। मैंने उस टाइम मना किया था कि जूम ऐप का उपयोग सोच समझ के करें। फिलहाल प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा सभी जो बड़े घराने हैं बिजनेस वाले वो सभी कर रहे हैं, सरकारें भी इसका उपयोग कर रही हैं, सरकारी अधिकारी भी कर्मचारियों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जूम ऐप को डाउनलोड करें ताकि उनकी जो है मीटिंग हो सके, कॉन्फ्रेंसिंग हो सके। लेकिन इसका हश्र क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में फिलहाल स्थिति ये है कि 5 लाख ईमेल आईडी, 5 लाख अकाउंट्स ये आपका जूम ऐप के थ्रू हैक हो चुके हैं और इनका डाटा बहुत ही सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है। डाटा हैकिंग के बारे में भी एक बात ढंग से सुन लो आप। पहले जो डाटा लीक हो रहा था वो क्या हो रहा था, आपके बैंक अकाउंट्स के डिटेल लीक हो रहे थे, आपके ईमेल पासवर्ड आईडी वगैरह लीक हो रहे थे। अब जो डाटा लीक हो रहा है वो बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी वगैरह तो है ही, लेकिन जो भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं उसका डाटा लीक हो रहा है, आपके मीटिंग यूआरएल और पासवर्ड है वो डाटा लीक हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है कि भविष्य में आपके बिजनेस प्रोफाइल्स चोरी हो सकते हैं, भविष्य में आपके बिजनेस सीक्रेट्स हैं उन पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक कंपनी है साइबिल, जिसने 1 अप्रैल को ही इसके बारे में बता दिया था, उसके बाद भी करोड़ों की संख्या में जूम ऐप के डाउनलोडर्स की संख्या बढ़ गई थी। अब ये सब उन्हें भुगतना पड़ सकता है। एक और कंपनी है बिलीपिंग कंप्यूटर्स, उसने बकायदा इसका फोटो जारी किया है और बताया है कि इस प्रकार से डाटा लीक हो रहा है और डाटा लीक ही नहीं हो रहा काफी सारे लोगों को बेचा भी जा रहा है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। आप डाटा हैकर्स फोरम पे अगर जाकर के देखते हैं तो ये डाटा आपको वहां मिल जाता है। कंपनी ने बकायदा इस चोरी को पकड़ा है और बकायदा इसके बारे में एक नोट भी जारी किया हुआ है। अब इसमें लीक होने वाले डाटा में फिलहाल मेल आईडी है आपका, उसका पासवर्ड है, आपका जो आप मीटिंग यूआरएल है आपका वो है, साथ साथ होस्ट है। तो इस तरह की जानकारियां लीक होने का मतलब सीधी सीधी बात है कि सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। कोई ना कोई खामी इस सिस्टम में है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है। अब कंपनीज को दूर करे या ना करे, लेकिन हम कर सकते हैं, हमें इसका यूज सोच समझ कर करना है। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं अथवा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत लास्ट टाइम जो था मेरा एक्सपीरियंस काफी बैड था। मैंने मेरे दोस्तों को भी इसके प्रति आगाह किया पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी भी अगर आंखें खुलती हैं तो ठीक है मेरे भाइयों, नहीं तो कोई बात नहीं, डाटा आपका है, लीक होता है तो प्रॉब्लम आपको झेलनी है, मुझे नहीं झेलनी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको इसी प्रकार के जागरूकता संबंधी वीडियोस लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।